विद्वानों का पता चला, शेक्सपियर, लेनिन, गोर्की, मार्क्स, मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, अमृता प्रीतम, इन लोगों की पुस्तकें लाकर खरीद कर मैं पढ़ने लगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं लक्ष्मण राव जी के यहाँ, जो कि हैं एक टी सेलर, साथ साथ में 25 बुक्स के ऑथर भी हैं। वैसे तो आप सब लोगों को पता होगा कि जैसा आप सोचते हैं वो कभी नहीं होता है। इसी तरह हमारे साथ भी हुआ था। हम ये व्लॉग पिछली बार शूट करने गए थे पर किसी वजह से कर नहीं पाए थे, वो वजह मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा। उसके बाद हम सीधा मिलेंगे लक्ष्मण राव जी के यहाँ। नमस्कार, इस वक्त की सनसनीखेज खबर आ रही है कि तस्वीर में दिख रहा ये शख्स, जो पहले बड़ा अमीर हुआ करता था पर चालान ने चलाया ऐसा चक्कर के उसे अपनी बाइक से हाथ धोना पड़ा। बाइक क्या, घर बार जो था वो भी ना रहा। आजकल ये शख्स उसी सड़क की फुटपाथ पे पाया जाता है जहां पे इसका चालान कटा था। जितना भी जुल्म कर ले खुदा, पर चालान ना काटे। तो भाई, अब हम आ चुके हैं लक्ष्मण राव की जगह यहाँ, जो अभी अपनी शॉप लगा ही रहे हैं। तो हम ज़्यादा जल्दी आ गए हैं, ये 3 बजे से 5 बजे तक बैठते हैं। तो अभी अपनी शॉप लगा रहे हैं, अभी हम अंकल को देखते हैं, पहले उनकी शॉप लगने दो, उसके बाद अंकल से बात करेंगे। महबूबा, झील की उस पार, तो एक वो एक ऐसे उपन्यासकार थे जिनकी 5-5 लाख प्रतियां बिकी। पहला एडिशन 5 लाख, झील की उस पार, कटी पतंग, इस तरह से। तो हमारे साहित्यकार लोग उनको अच्छा लेखक नहीं मानते। अच्छा। और मेरी मातृभाषा मराठी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा। और महाराष्ट्र में अमरावती जिले में एक छोटा सा गांव है, चांदूर रेलवे या धामनगांव रेलवे के पास 12 किलोमीटर दूर तड़ेगांव तेजगढ़ के नाम से, और वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैं 6वीं 7वीं 8वीं में जब पढ़ता था अपने गाँव में, तभी मैं उनकी पुस्तकें पढ़ता था। उनकी पुस्तकें पढ़कर मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मैंने सोचा था कि मैं भी एक दिन गुलशन नंदा जी बनूंगा। और आज 50 साल के पहले जो मैंने सोचा था वो सपना मैंने पूरा करके दिखा। ये मेरे लिए उपलब्धि कहिए या मेरा एक सपना कहिए, लेकिन उनके उपन्यास पढ़कर मैंने हिंदी भाषा सीखी, क्योंकि हमारी भाषा तो मराठी है, लेकिन उनके उपन्यास पढ़कर मैंने हिंदी सीखी। फिर उसके बाद मैं अमरावती शहर आया, वहाँ मैंने 10वीं पास की, फिर एक मिल में काम करने लगा। वो सूत मिल था, वो 5 साल के बाद बंद हो गया 1975 में। उसके बाद फिर मैं गांव गया, खेतीबाड़ी का काम करने लग गया। और उसके बाद फिर मैं जब अच्छा नहीं लगा तो पिताजी से 40 रुपये लिए और अमरावती आया, अमरावती से भोपाल आया। भोपाल में मेरे पैसे खत्म हो गए, 40 रुपये में भोपाल तक। हाँ, भोपाल तक। उस समय तो टिकट 15-16 रुपये की टिकट थी अमरावती से, मुझे इतना भी याद है कि अमरावती से भोपाल तक 16 रुपये की टिकट थी, और भोपाल से दिल्ली तक 32 रुपये टिकट थी, 2 रुपये था रिजर्वेशन के, यानी कि 34 रुपये का रिजर्वेशन था। और लेकिन पैसे मेरे भोपाल में खत्म हो गए थे। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ पर ही पैसे बनाए और 90 रुपये बनाए एक भवन पे मजदूरी करके। और फिर मैंने 30 जुलाई 1975 को ही टिकट लेकर दिल्ली आ गया, और यहाँ आकर भी मैं यही काम करने लग गया। मेरे पास तो एक कपड़े थे और एक 10वीं का सर्टिफिकेट था, तो ये सोच कर आया था कि मुझे दिल्ली में जाकर एक लेखक बनना है। और धीरे धीरे फिर मैं यहाँ भवनों पे मजदूरी करता रहा, ढाबों पे बर्तन साफ करता रहा। और इसी रोड पर, इस रोड का नाम है विष्णु दिगंबर मार्ग, ITO के पास है ये, और इसी रोड पर फिर मैं एक पेड़ की नीचे चबूतरा बनाकर पानबीड़ी सिगरेट बेचने लगा। ये 1977 की बात है। और उसके बाद यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दरियागंज में संडे बाजार में जाकर पुस्तकें खरीदता था। वहाँ से मुझे बड़े बड़े विद्वानों का पता चला, शेक्सपियर, लेनिन, गोर्की, मार्क्स, मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, अमृता प्रीतम, इन लोगों की पुस्तकें लाकर खरीद कर मैं पढ़ने लगे। आचार्य चतुर सेन, देवकीनंदन खत्री,
इन लोगों की पुस्तकें लाकर मैं पढ़ने लगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज आया तो ये किताब मैंने और लिखी। जबकि पहली पुस्तक मैंने रामदास अपने गांव में लिखी थी, जो मेरे गांव का एक लड़का था पानी में डूबकर मर गया था, और ये किताब और लिखी थी। दो किताबें लेकर मैं प्रकाशक के पास गया, प्रकाशक ने मुझे बिठौक कर, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज हम प्रणाम करते हैं उस व्यक्ति को जिन्होंने हमें गेट आउट कहा था, उनकी वजह से हमारी किताबें दिखाई दे रही हैं। और फिर मैंने उसी समय से 6,000 रुपये में पहली पुस्तक प्रकाशित की। फिर उसके बाद मेरा जीवन परिचय समाचार पत्रों में छपने लगा, इंदिरा गांधी जी के कार्यालय में मेरी चर्चा होने लगी। मैं 1984 को तीन मूर्ति भवन में जाकर उनको मिला इंदिरा गांधी जी से। मैंने कहा मैं आपके जीवन पर पुस्तक लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे बारे में बहुत लिखा है लोगों ने, आप लिख सकते तो हम लोग क्या करते हैं वो लिखिए। तब मैंने एक नाटक तैयार किया प्रधानमंत्री के नाम से, वो प्रकाशित भी किया। उसके बाद वो दो किताबें चलती रही, फिर उसके बाद फिर इतनी कुछ बिकी नहीं। लेकिन 1992 में मैंने रामदास प्रकाशित किया, उससे मुझे पहचान मिल गई, वो जगह जगह खरीदा जाने लगा, पढ़ने लगे लोग, स्कूल और कॉलेज में बेचने लगा मैं उसे। दिल्ली के 1,000 स्कूलों में मैंने बेचा अपने साइकिल से, यहाँ से ITO से प्रीतमपुरा रोहिणी, और वो लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद फिर मेरी लेखनी आगे बढ़ती गई, तो अब तक मैंने 25 पुस्तकें लिखी। मैंने 12वीं में एडमिशन ली और 37 साल की उम्र में 12वीं पास की। 37 साल में? हाँ। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा और भी पढ़ना चाहिए, तो मैंने 50 साल की उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया, और उसके बाद फिर मैंने 63 साल की उम्र में MA किया हिंदी से, ये इग्नू से। हिंदी में MA करने के बाद ये शो ग्रंथ लिखा मैंने, ये संदर्भ ग्रंथ, जो मैंने पाठ्यक्रम पढ़ा उसी पाठ्यक्रम पर आधारित मैंने, जबकि मेरा 2000 से काम चल रहा था द बैरिस्टर गांधी, महात्मा गांधी पर, उनके जीवन के बारे में मैंने टाइम मैगजीन में पढ़ा था। तो टाइम मैगजीन ने कहा, वो लास्ट इश्यू था 2000 का, दिसंबर का लास्ट इशू था, और उसमें कहा गया था कि गांधी ये बहुत महान आदमी है, और ऐसे तीन आदमी है पूरे विश्व में जो इस शतक के तीन आदमी, जिनका नाम था रूजवेल्ट और आइंस्टीन और गांधी। तो मैंने कहा गांधी को पढ़ना चाहिए। फिर मैंने गांधी जी के, गांधी जी ने स्वयं लिखी हुई पुस्तकें खरीद कर लाकर पढ़ने लगा। जो मेरी नकारात्मक सोच बनी थी गांधी जी के प्रति, वो सकारात्मक बनती थी, और अब मैंने ऐसा ही एक शोध ग्रंथ लिखा है, वो अगले महीने में प्रकाशित हो जाएगा, बैरिस्टर गांधी के नाम से। और फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मेरी पुस्तकें उपलब्ध है, वहाँ पर से भी लोग खरीद, वहाँ से भी ले सकते हैं, और पूरे देश भर में खरीदी जाती है। भाई तो हम आ चुके हैं लक्ष्मण राव जी के यहाँ से, और हमें मिलके बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है कि कैसे कैसे उन्हें कैसी कैसी मुसीबतें झेलने लगी, और उन्होंने 60 की उम्र में MA हिंदी से करी है DU यूनिवर्सिटी से। तो आप सोच सकते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। और रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।